नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पर्श पराठा रेसिपी। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। कई बार बच्चों की जिद रहती है आज ये नहीं खाना तो कल वो नहीं खाना, लेकिन इस रेसिपी को मैंने जिस तरह से ट्राई किया है आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। बच्चों तो बहुत चाव से ये पराठा खाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, उसमें मैं दे रही हूँ 2 कटोरी आटा। क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे तो मैदे की जगह आप आटा का इस्तेमाल करें। तो अब दे रही हूँ मैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, साथ ही में दे रही हूँ 2 टेबल चम्मच रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं तेल के बदले। तो जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से आटा तैयार कर लेंगे। नॉर्मली हम जैसे आटे रोटी या पराठे के लिए आटा तैयार करते वैसे ही करके तैयार कर लिया। देखिए अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी ओर हम पराठे के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन कीमा, कुछ सब्जियाँ जैसे कि गाजर, मटर, कॉर्न, और यहाँ पर लिया है मैंने पत्ता गोभी, हरे प्याज, प्याज, लहसुन, मिर्च, यही सब। तो अभी मैं एक छोटे वाले मिक्सिंग जार ले रही हूँ। अब उसमें हम ये कॉर्न और गाजर को हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। एकदम पेस्ट नहीं बनाना, बस दरदरा कर लेना है। अगर आपके पास वेजिटेबल चॉपर हो तो आप ये उसमें भी चॉप कर सकते हैं। देखिए एकदम पेस्ट नहीं बनाया, बस दरदरा थोड़ा सा पीस लिया है। इसी तरह से अब हम मटर को भी दरदरा पीस लेंगे। देखिए एकदम पेस्ट नहीं बनाए, बस थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इस सारे मसालों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, जो हमने कॉर्न, गाजर और मटर को हल्का सा पीस लिया है। तो दूसरी ओर यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें दे रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाए अब हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन को अब थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए लहसुन के भी कलर थोड़ा चेंज हो गए। अब इसमें मैं दे रही हूँ 1/2 कटे हुए प्याज। प्याज को भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जो सारे वेजिटेबल्स को हमने चॉप कर लिया था, वो सारे वेजिटेबल्स अब हम ऐड कर देंगे। आप इसमें अपने पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो सारे वेजिटेबल्स को भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखें इस समय गैस की आंच बिल्कुल लो टू मीडियम रहे। देखिए इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही में हम पत्ता गोभी को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसी में देके एक साथ। अब जैसे कि सब्जियां थोड़ी नरम हो जाए इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे जिससे कि सब्जियां थोड़ी नरम हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। क्योंकि हमने सब्जियों को बहुत छोटा छोटा चॉप किया है ना, तो जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने यहाँ ढककर भी पका लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे छोटे बारीक टुकड़ों में कटे हुए चिकन के पीसेस। अगर आप चिकन ना डालना चाहे तो बिल्कुल इसे भी स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हम खास बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो कई बार बच्चे भी चिकन खाते नहीं है। तो आप इस तरह से सब्जियों के साथ मिलाकर देंगे तो वो बहुत अच्छे से खा भी लेंगे। तो इसी तरह से सब्जी के साथ हम चिकन को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर चिकन को हम बहुत बारीक छोटा छोटा काटा है तो चिकन को भी पकने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। साथ ही मैं दे रही हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खासकर हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ना डालें। अगर आप घर में बड़ों के लिए भी बना रहे हो तो आप ज़रूर थोड़ा मसाला या चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए थोड़ी देर के लिए हमने ढककर पका लिया था। अब इसमें मैं दे रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब काली मिर्च पाउडर डाल के भी बहुत अच्छे से सब्जी और चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। अभी मैं इसमें आखिर में दे रही हूँ थोड़े हरे प्याज के पत्ते। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा गरम मसाला या फिर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये अच्छे से पक गए हैं, तो इसे भी हम आप कढ़ाई से निकाल लेंगे और एक प्लेन में डाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। तो इसी तरह से आप रोटी के साथ ये भी खा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर मैंने रोलिंग पिन के ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और एक आटे की लोई लेकर जिस तरह से हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा रोटी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें फिलिंग डाल रहे हैं तो थोड़ा बड़ा रोटी तैयार करेंगे। वैसे तो आप इसे पराठे की शेप में भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे एक ही तरह के पराठे खा कर बोर हो जाते हैं, तो हमें भी हम माओं को भी थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना ही पड़ता है किचन में, है कि नहीं दोस्तों? आप भी ज़रूर कमेंट में बताइए। तो देखिए इस तरह से हमने बड़ा रोटी तैयार कर लिया है। अब हम इसमें वो फिलिंग डालेंगे जो हमने अभी तैयार करके रखा था। तो ये फिलिंग अब हम इसमें भर के डाल देंगे। तो किनारों से थोड़ा सा छोड़ देंगे और बाकी बहुत अच्छे से फिलिंग भर लेंगे। अब एक कटोरी में देखिए यहाँ पर मैंने ली है पानी, तो पानी को अब रोटी के चारों ओर अच्छे से फैला देंगे जिससे कि रोटी अच्छे से सील हो जाए। देखिए चारों ओर हमने मिला लिया है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, पहले एक कोने से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, अब दूसरी ओर से भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से और बाकी के सारे पराठों को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए और ध्यान रखिए कि मसाला अंदर से बाहर ना निकले, तो अच्छे से आप फोल्ड कीजिए। तो इसी पहले भी एक तैयार करके रखा था मैंने, तो बाकियों को भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो दूसरी ओर एक फ्राई पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें मैं दे रही हूँ 3 टेबल चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इस रेसिपी को पराठे को घी में भी सेक सकते। अब तेल जैसे बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, अब हम इसमें बनाए हुए पराठे को सील लेते हैं। तो देखिए जिस तरफ हमने पराठे को सील किया था उससे नीचे की तरफ रखेंगे और लो टू मीडियम हीट पे अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे, और गैस के आंच बिल्कुल धीमा रखें क्योंकि ऊपर से नहीं तो कलर आ जाएगा, अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। तो एक साइड से देखिए हो गया है, अब दूसरी साइड भी पका लेंगे। देखिए एक तरफ से बहुत सुंदर कलर आया है और फ्राई भी हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से हमने सेक लिए है। देखिए कैसे एकदम पूरी के जैसे अच्छे से फूल भी गए हैं। तो मेरी बेटी ने तो इस रेसिपी को नाम दे दिया है मम्मा ये है पर्स पराठा, क्योंकि ऐसे फोल्ड करके बनाया ना, तो इसीलिए उसने तो ऐसे नाम दे दिया पर्स पराठा। तो आप किस नाम से बुला सकते हो जो ज़रूर कमेंट पे बताइए। इसे तो आप रायता चटनी अचार किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पर्स पराठे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और साथ में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि आपको नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एवं चैनल के साथ बने रहिए।